वेलकम, खुशामदीद एंड मरहबा बीजी केक किचन में। आप सबको बहुत ही बहुत क्या बोलेंगे, हैप्पी संडे टू एवरीवन। एंड दूसरा ये कि आज भी संडे है और आज भी वीर जी जो है बिजी है, ही इज़ नॉट इन अ टाउन। और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो आप देख रहे हैं कि मैं उनके फेवरेट पिज़्ज़ा बन बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते बनाते आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो वीर जी, दिस इज़ फॉर यू। और राइट फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। कि ये सॉसेजेस हैं जिनको हमने इस तरह से स्लाइड काट के, और ये मैं हल्का सा इसको फ्राई कर रही थी, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए बंस, ले लें काफ़ी फ्रेश बन आप ले लें, और इसको इस तरह से आप खोल दीजिए, ठीक है। एक तरफ से आपने इसको हैफ करना है और ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑलिव्स मैंने लिए हैं इसके अंदर, ब्लैक ऑलिव का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं इसमें ले रही हूँ कैप्सिकम ग्रीन वाला, यानी कि शिमला मिर्च ग्रीन वाला, और इसको मैं इस तरह से लंबा लंबा काट दिया है। इसके बाद आप सबको पता है कि पिज़्ज़ा की या पिज़्ज़ा बन की जान होती है चीज़, तो आई एम यूजिंग दिस हैप्पी काउ, राइट। इसके बाद मैं ले रही हूँ किसी भी ब्रांड का, आप वाइट मायो ले लीजिए प्लेन, और मैं ले रही हूँ पेरी पेरी स्पाइस, ठीक है। ये मसाला है पेरी पेरी का, बहुत ही आराम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एंड डेफिनेटली मैं एक दिन आपको बनाना भी सिखा दूंगी जब मसाला का सेशन हमारा स्टार्ट होगा। इसके बाद आई एम यूजिंग दिस पिज़्ज़ा सॉस, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, तो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये, और पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। बट आज मुझे वीर जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आई एम मिसिंग हिम सो मच आज संडे वाले दिन, तो मैंने सोचा कि आज झटपट से बना लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ झटपट से पिज़्ज़ा बन बनाना सिखाती हूँ। और राइट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बॉल ले लेना है, ठीक है। इस बॉल के अंदर मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। मेरे पास इस वक्त 4 बन अवेलेबल है, तो आई एम यूजिंग 4 टेबल स्पून, एंड इसके बाद मैं मायो ले लेती हूँ, मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ मायो इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, ये भी 4 टेबल स्पून ही मैंने लिया है, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अगर चाहे तो आप इसको स्पून की मदद से नाप नाप के निकाल दे जाए। ऑलराइट, ओके। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है, मैं ऐसा कर देती हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। ये हमने बड़े अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें बन को खोलूंगी इस तरह, और अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दूंगी, दोनों तरफ इसको अच्छे से स्प्रेड करूंगी लाइक दिस, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद वन सॉसेजेस, देन कैप्सिकम एंड ऑलिव, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हैप्पी कॉक को आपने ऐसे एडजस्ट कर दिया। बच्चे भी इसे बड़े आराम से बना सकते हैं आजकल, माशाल्लाह बच्चे भी बड़ी अच्छी सी कुकिंग करते हैं, और अगर मामीज भी बना रही हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बड़े मूवी टाइम एंड लंच टाइम सब में अच्छा लगता है, ये बहुत ही मज़े से लगता है। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरह करके सारे मैंने इसी तरह से बनाने हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सारे तैयार हो गए, आई विल शो यू द क्लोजअप, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद ये बेकिंग ट्रे है, ये मैंने बेकिंग ट्रे ले लिए, और अब इसमें क्या करना है कि ये जो सॉसेजेस हमारे हैं इसको मैं इस तरह से काट लूँगी लंबे लंबे में, ठीक है।
काटने के बाद मैं इसे इस तरह एडजस्ट करूंगी एडजस्ट करने के बाद ठीक है आप ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ ओके इट्स अ वेरी इजी वेरी झटपट एंड कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे यंग सब बना सकते हैं मम्मीज बना सकते हैं बहुत आसान है मम्मीज तो बिल्कुल ही बना सकते हैं मम्मी तो बना ही सकते हैं बट बच्चे भी इसको बड़े मज़े से बना सकते हैं ओके ये हमारे पास जो है वो चेडर चीज़ है ठीक है इस चेडर चीज़ को मैं क्रश की मदद से ये आपको दिख रहा है राइट आपने ऐसे कर ओके ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले मैं ये आपके सामने इसलिए करी मैं क्रश करके रख सकती थी बट आई वांट यू टू सी द कंप्लीट कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं अच्छा इसमें करना क्या है कि जहाँ पे आपने अपना कैप्सिकम रखा है जहाँ पे आपने ये सॉसेजेस का स्ट्रिप रखा है उसी जगह पे आपने इसको इस तरह से करना है ठीक है I love the black olive and capsicum, green capsicum combination. I mean, it looks so beautiful, na? ऐसा लग रहा है जैसे इस पे stone हुआ है. ये फिर हम थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर कर देंगे. Okay. So friends, I'll show you the close-up. Now you can see. कि आपने इस तरह से इसको स्प्रेड करना है और हमें इसे बेक कितना करना है हमें इसे 2 मिनट्स के लिए बेक करना है और वो इसलिए ताकि ये पूरा मेल्ट हो जाए और राइट बेकिंग जो मेरा अवन है वो ऑलरेडी प्री हीटेड अवन है मैंने इसको जो है पहले से गर्म कर लिया था एंड नाउ मैं इस ट्रे को इसमें रख दूँ राइट सो अब हमें क्या करना है अब हमें इसे मेल्ट करना है 2 मिनट्स के लिए ऑलराइट फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टिंग टिंग इट मींस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिंग कि ये जैसे ही बेल बजेगा हम इसको निकाल लेंगे एंड आप अभी देख सकते हैं कि इसके अंदर का हाल कितना यम्मी सा लग रहा है सो वीर जी आपकी तरफ से मैं आज खा रही हूँ आपका फेवरेट पिज्ज़ा बन ऑलराइट हियर वी गो इट्स रेडी ओके अब मैं इसको ओवन से बाहर निकाल लेती हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी वाली खुशबू आ रही है मुझे माशाल्लाह इट्स सो यम्मी वेरी टेस्टी एंड क्विक ओके नाउ अब इसमें हमने क्या करना है ऑरेगानो है हल्का सा ऑरेगानो हम इसमें डालेंगे एंड ओके आई विल शो यू द क्लोजअप नाउ आप देख सकते हैं मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखाती हूँ ओके सो ये हमारा पिज्जा बन रेडी है इट्स अ वेरी यमी वेरी इजी और इतना सारी चीज़ें घर के अंदर अवेलेबल होती हैं और ट्रस्ट मी कि आप जब इसको खा के देखेंगे तो आप बाकी मुझे कमेंट करेंगे कि यह बहुत ही टेस्टी है और मूवी टाइम के लिए तो बेस्ट है ये ऑलराइट फ्रेंड्स खुश रहें मुस्कुराते रहें खुशियाँ बांटते रहें
देखते रहे बीजीज किचन. डू लाइक माई दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइब करें, और जितने बच्चों ने ये रेसिपी ट्राई की और ट्राई करनी है और उनको पसंद आई है तो प्लीज़ एक आप सब्सक्राइब करें. खुद ही मामा का फ़ोन लेके आप सब्सक्राइब कर लें. ऑलराइट, ओके, एंड टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.